शादियों में होने वाले खर्चे व दहेज के कारण बाल विवाह एक ऐसी कुप्रथा थी, अभी तक चली आ रही है। इसको बदलने के लिए सामाजिक रूप से सामूहिक विवाह सम्मेलनों का आयोजन होने लगा। आपने कैसे सोचा कि सामूहिक विवाह सम्मेलनों में शादी करने के बारे में? तब एक तो बाल विवाह नहीं होंगे, बच्चियाँ पढ़ लिख के शिक्षा में जाएंगी और आगे आने वाली पीढ़ी मतलब संपन्न और अच्छी होगी, बच्चे अच्छे होंगे, शिक्षा का प्रसार होगा, कानून से दायरे से जानकारी है कि इसमें 18 साल से पहले लड़की शादी कर ही नहीं सकते, तो ये तो अपन जानकारी तो है ही। ज्यादा खर्चा होता है हमारा, यहाँ हमारा कम होता है खर्चा, यहाँ कम क्यों हुआ खर्चा? समय की बचत हो गई, पैसे की बचत हो गई और फ्री हो गए, कोई टाइम वेम नहीं लगा ज्यादा, घर पे बहुत बागा दौड़ी हुआ, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं। यही शादी आप यदि घर पे करते तो आप तो क्या क्या समस्याएं आती है? बारात की व्यवस्था करो, रिश्तेदार की करो, ये लाओ वो लाओ। अभी बचपन में छोटे में शादी करते थे, फिर उसमें परेशानी आती है बच्चा बच्चियों को। बाल विवाह पर सामूहिक विवाह सम्मेलन से कैसे रोक लगेगी? बच्ची को और बच्चा को पढ़ाई में एक साथ ध्यान दें, तो आप ही शिक्षा का तौर बढ़ेगा। मैया बाप अगर शिक्षित होगी तो अपने आप ही जागृति होगी और बाल विवाह होगा। सामूहिक विवाह सम्मेलनों के आयोजन से लड़कियों को एक बोझ नहीं समझा जाता है, वह उनको पूरी तरह शिक्षा मिल सकती है। मैं चाहती हूँ कि सभी समाज में सामूहिक विवाह सम्मेलनों को आयोजन होना चाहिए, जिससे माँ बाप को जन्म से ही बच्चियों की जो टेंशन रहती है वो समाप्त हो सकती है। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहड़ के लिए।